तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे लिविंग ग्रुप की, ठीक है ना। तो ये जो जो OH- होता है, ठीक है ना, जो जहाँ पे इस प्रकार से हो, OR- हो, ठीक है ना, H- हो, R- हो, ठीक है ना, तो ऐसे जो होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, बैड लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये जो है, ये क्या है, बैड लिविंग ग्रुप। तो बैड लिविंग ग्रुप कैन ओनली लीव बाई इंटरनल अटैक। ठीक है, एक्सटर्नल अटैक इनको कोई भी हटा नहीं सकता। तो अगर एक्सटर्नल अटैक है ना, अगर एक्सटर्नल अटैक हटाना हो, एक्सटर्नल अटैक से है ना रिप्लेस करना हो, ठीक है, रिप्लेस करना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू कन्वर्टेड टू गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो जैसे मान लो अगर आपको CH3OH, अब आपको कहा कि इसको हटा रहो, ठीक है ना, कोई न्यूक्लियोफाइल आए, इसको हटाए, ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये नहीं होगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि OH- जो है ये क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप है, जो स्ट्रांग बेस होते हैं, ठीक है ना। तो दिस रिएक्शन NuCH3+OH-, ये क्या होगा बच्चों, ये नॉट पॉसिबल है। अगर आपको इसको पॉसिबल करना है तो हम क्या करेंगे, इसको न्यूट्रल बना के निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इसको OH- से क्या बनाएंगे, न्यूट्रल के रूप में हटा सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम इसको प्रोटोनेट कर दें, जैसे यहाँ पे OH है, इसको H+ कर दें, अब ये बच्चों जो होगा OH2+ हो जाएगा, अब एक गुड लिविंग ग्रुप बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे CH3+ OH2, ये है, ठीक है, तो ये गुड लिविंग ग्रुप बन गया। तो यही बच्चों इसमें लॉजिक होता है कि आपको अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा ऐसे, ठीक है, तो इससे ये न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब वो क्या हो चुका है, गुड लिविंग ग्रुप बन चुका है। ठीक है, तो जैसे ये सब है, मान लो बच्चों ईथर है ना, वो इसको अगर हम प्रोटोनेट कर दें, ठीक है, H+, तो ये जो है CH3OH+, ठीक है, अगर इस फॉर्म में जाएगा तो एल्कोक्साइड के फॉर्म में आएगा, अब ये न्यूट्रल के फॉर्म में जा सकता है। ठीक है, अब इस पे अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो बैक साइड से अटैक करेगा, ये आ जाएगा, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल CH3+OHC ऐसे ये बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको क्या करेंगे, एक अच्छा लिविंग ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल पे जो होता है HCl का अटैक इसी तरह से कराया जाता है बच्चों, ठीक है ना, तो अटैक या जो रिएक्शन ऑन एल्कोहल बाई HX, ठीक है, तो वो इसी से करते हैं, जैसे यहाँ पे है CH3, यहाँ पे OH, ठीक है, तो इस पे Cl- ये अटैक करे, ये भाग जाओ, है ना, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो ये जो है CH3Cl+OH-, ये क्या है, नॉट, ये पॉसिबल नहीं होगा बच्चों, तो उसके लिए आपको गुड लिविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको हम प्रोटोनेट कर देंगे, तो पहले H+ आएगा, ठीक है, इसको प्रोटोनेट कर देगा,
अब जो है सी एल माइनस इस पे चाहे तो अटैक करके इसको रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा है ना, जैसे मान लो ये है ओ माइनस है, ठीक है, एच है और ओ सी एच, तो ये इंटरनल अटैक है, तो यहाँ से इसको हम निकाल सकते हैं। तो इंटरनल अटैक जो है पुअर लिविंग ग्रुप को हटा सकता है, ठीक है ना, ये जो होता है ना आर ओ माइनस ओ एच माइनस, ठीक है ना, ये सब जो होते हैं बैड लिविंग ग्रुप हैं, बैड लिविंग ग्रुप। तो इसमें क्या होगा, तो इंटरनल अटैक ही इन्हें क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। अगर आपको एक्सटर्नल अटैक कराना है तो गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यह आर सी ओ ओ आर, अगर हम इस पे ग्रिगनार्ड रीजन का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है बच्चों, माइनस और प्लस, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, ये इस पे अटैक करेगा, तो जब भी अटैक होता है तो कोई ना कोई बॉन्ड टूटेगा, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, जो वीक होगा, तो पाई बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे सी एस थ्री आ जाएगा, अभी ओ आर डैस। अभी जब वापस आएगा तो यहाँ से ये इंटरनल अटैक हो रहा है, ठीक है ना, तो इस तरह से बच्चों ये है सी एस थ्री, ये हुआ इंटरनल अटैक। ठीक है, जैसे दूसरा है, जैसे मान लो ये है सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री और ओ एच, अगर हम इसको इससे करा लें, ठीक है, टोसाइल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, टोसाइल क्लोराइड, यहाँ से ये जो है ओ एच माइनस, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, तो इसको हमें गुड लिविंग ग्रुप बनाएंगे, यहाँ से एच सी एल निकाल देंगे, ठीक है, ये बन जाएगा सी एस थ्री सी एच ओ एस ओ और ये, ठीक है, तो ये हो गया सी एस थ्री ओ टी एस, ठीक है। अब ये क्या हो गया बच्चों, ये गुड या मॉडरेटली, ठीक है, लिविंग ग्रुप बन चुका है। अब यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, तो इसको हटा सकते हैं। ठीक है, टोसाइलेट ब्रोसाइलेट ऐसा हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है बच्चों गुड लिविंग ग्रुप जो होता है फेवर्स SN1 एंड माइल्ड लिविंग ग्रुप जो होता है फेवर्स SN2। माइल्ड मतलब जो थोड़ा सा धक्का मारने पे निकल जाए, ठीक है ना, जैसे SN2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल है, थोड़ा सा इसको पुश करे भाग जाए, और SN1 में क्या होगा कि पहले ये भाग जाए, है ना, पहले ये भाग जाए फिर अटैक करेगा, तो इसमें गुड लिविंग ग्रुप चाहिए होता है, और इसमें माइल्ड, थोड़ा सा हल्का सा धक्का दोगे मतलब भाग जाता है, तब तो SN1 से चला जाएगा, है ना, थोड़ा सा वो रजिस्ट भी करे, ठीक है, तो ये इसमें होता है। ठीक है, तो ये आप कर लो, रेट ऑफ SN2 SN1 इस तरह से बना सकते हैं।
ठीक है बच्चों। तो इसमें जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1, ठीक है। तो जैसे SN1 का अगर हम बात करें रेट आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि RX यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता ही नहीं, या होगा तो पावर जीरो होता है। और जो SN2 होता है, इसमें जगह रेट की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ये ऐसे जाएगा, जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे R जो होता है K इंटू RX इंटू न्यूक्लियोफाइल, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। तो पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल एंड बेस, बेसिक डिफरेंस क्या होता है बच्चों। देखो, इसके बाद भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ठीक है। कौन सा? अनशेयर्ड। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पेयर अनशेयर्ड दोनों के पास होता है, इनफैक्ट दोनों एक ही चीज़ होता है। अंतर बस इतना होता है कि जो जैसे मान लो अगर OH माइनस, अगर ये कार्बन पे अटैक करता है, इस पे अगर अटैक करता है, इसी OH माइनस को हम बोलेंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल है। और अगर ये हाइड्रोजन को लेता है ना, ऐसे ये OH माइनस अगर ये इस H+ से कंबाइन करता है, इसको लेता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बेस बोलते हैं, ठीक है। HCl-, तो यहाँ पर ये बेस हो रहा है क्योंकि H+ ले रहा है ना? बेस है क्योंकि क्या ले रहा है? H+ ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तो यही होता है कि व्हेन व्हेन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है ना, टेक्स H+ या बॉन्ड टू प्रोटॉन, इट इज कॉल्ड बेस। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ज्वाइंस विथ कार्बन हैविंग डेल्टा प्लस, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अब हम इसको बच्चों थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो इधर रहेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी, इधर रहेगा बेसिसिटी, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर अदर देन H+ इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू हाइड्रोजन इज कॉल्ड बेसिसिटी। यहाँ पे OH- प्लस H+ H2O, OH- प्लस ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल।
इसमें क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस प्लेस इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो मतलब जैसे क्योंकि उसको कार्बन पे जाना होता है, अटैक करना होता है, तो अगर उसकी खुद की साइज़ बड़ी होगी तो उसको जाने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और इसमें जो होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस डज नॉट प्ले एनी रोल। स्टेरिक हिंड्रेंस डज नॉट प्ले एनी रोल, ठीक है। तो अगर ये है तो ग्रेटर देन वो माइनस होगा, ठीक है ना। इसमें प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल को जाके अटैक करना होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी काइनेटिक प्रॉपर्टी है ना, तो ये होता है काइनेटिक प्रॉपर्टी, मतलब जो फास्ट रिएक्ट करेगा, ठीक है, वो फास्टर अटैक स्ट्रॉन्गर द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। फास्टर द अटैक स्ट्रॉन्गर द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनेमिक मतलब जिसका के ए ज़्यादा होगा तो, या के बी ज़्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका अगर रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वैसे हम लोग कर चुके हैं। जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, ओ एच माइनस, आर ओ माइनस, पी एच ओ माइनस, आर सी ओ ओ माइनस, एक्स माइनस, एन एच टू माइनस, आर एन एच माइनस, आर ट्वाइस एन माइनस, एस एच माइनस, एस आर माइनस, ये सब जो होते हैं, ठीक है। दूसरा हो सकता है न्यूट्रल, ये तो नेगेटिवली चार्ज थे, अब हम देखेंगे न्यूट्रल। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में जैसे वाटर हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया, बस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर देखना है, ठीक है ना। ईथर हो गया, ठीक है, जहाँ भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, अमोनिया आर एन एच टू, आर ट्वाइस एन एच, आर थ्राइस एन, आर एस आर, ठीक है, पी एच थ्री, आर थ्राइस पी, ये सब क्या है बच्चों, न्यूट्रल है। अब इसमें जो है अगला है पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, जैसा कि हमने वहाँ देखा था अल्कीन होते हैं, ठीक है ना, अल्कीन अल्काइन ये सब, तो अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, ठीक है, बेंजीन हो गया, और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स, ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव, तो ये भी क्या होते हैं बच्चों, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जैसे बेंजीन में क्या होता है कि ये जो है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहेगा, ठीक है, जैसे ये हो गया
इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉइंग हो जाएगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगा, ठीक है, ये मतलब है। कुछ इसमें आते हैं एम्बिडेंट, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो जो दोनों साइड से है ना, यहाँ पे है मोर देन वन डोनर साइट फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन अवेलेबल, ठीक है। तो जैसे ये हो गया सी एन माइनस, ठीक है, ये है एम्बिडेंट हो गया, एस सी एन माइनस हो गया, ठीक है, ओ एन ओ हो गया, यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियो फिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इसमें क्या होता है कि चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं बेटर देन न्यूट्रल, ठीक है, से ओ एच माइनस ग्रेटर देन बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, ओ आर माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ओ एच होगा, एस एच माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल देन एच टू एस होगा, ठीक है, एन एच टू माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल देन एन एच थ्री होगा। तो इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी बोथ डिक्रीजेस अलोंग पीरियड, ठीक है। पीरियड में जैसे लेफ्ट राइट जाओ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है बच्चों बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा क्या होगी, कम होगी, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो जो भी है जैसे आर ओ माइनस हो गया, आर सी ओ ओ माइनस हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये प्लस आई लगाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा एस एच माइनस ग्रेटर देन सी एल माइनस ग्रेटर देन एच ओ माइनस ग्रेटर देन, है ना। तो इसमें रेजोनेंस हो गया तो ये बाहर जो इलेक्ट्रॉन देना था वो तो रिंग के अंदर घूम जाएगा ना। और यहाँ पे क्या है, आर जो है वो क्या लगाता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो और ज़्यादा वो देना चाहेगा, ठीक है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में साइज अगर ज़्यादा होता है तो बच्चों न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो लार्जर द साइज, लार्जर द साइज ग्रेटर विल बी न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, जो आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस और एफ माइनस, तो इसका जो सॉल्वेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि साइज बहुत छोटा है ना, ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगा,
आप पढ़ाई करने गए, दोस्तों के साथ ज़्यादा लगे, मतलब आप सॉल्वेट हो गए, तो आपकी जो पढ़ने के लिए रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से जैसे एस आर माइनस ग्रेटर देन ओ आर माइनस होगा, ठीक है, एस सी एच माइनस ग्रेटर देन एस एच माइनस ग्रेटर देन ओ एच माइनस होगा, पी एच थ्री ग्रेटर देन एन एच थ्री होगा। सिंपल सी है कि साइज ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है ना, ग्रेटर। अगला है कि अगर लोन पेयर है ना, इफ लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज के बगल में भी लोन पेयर हो, ठीक है ना, तो इससे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें रिपल्शन होगा, ठीक है ना, जैसे परऑक्साइड में ये लोन पेयर है, तो H2O2 बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर, है ना। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर यहाँ पर क्या है, रिपल्शन है, ठीक है। तो ये जो होगा बेटर देन RO, तो लोन पेयर रिपल्शन होगा, ठीक है, जैसे NH2 हो गया, ठीक है, तो ये बेटर होगा एज कम्पेयर टू अमोनिया होगा, ठीक है। ठीक है, इस तरह से अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। फिलिसिटी इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, तो पोलर एप्रोटिक है तो उस बताया था ना, जैसे ये है, ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़रा सा है, डेल्टा माइनस बड़ा है, तो ये बरीड होता है ना, डेल्टा प्लस यहाँ पे क्या है, बरीड है, तो ये एनायन का सॉल्वेशन अच्छे से नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे मान लो आई माइनस है, बी आर माइनस है, सी एल माइनस और एफ माइनस है, तो इसमें क्या होगा, सॉल्वेशन तो किसी का नहीं होगा, है ना, तो नो सॉल्वेशन, एनायन का तो होना नहीं है ना, इनफैक्ट रिपल्शन होगा बाई सॉल्वेंट होगा, ठीक है ना, तो सॉल्वेंट इसको रिपेल करेगा, तो किसको रिपेल करेगा, तो रिपल्शन विल बी मोर फॉर हैविंग ग्रेटर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, तो F माइनस में रिपल्शन मैक्सिमम होगा, ठीक है, ये लीस्ट स्टेबल होगा, इसलिए रिएक्टिविटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अब इसे पानी रहता था, ठीक है, तो इसमें क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड से सॉल्वेट हो गया था ये पोलर प्रोटिक में, लेकिन ए प्रोटिक में सबको डंडा पड़ेगा, जिस उसको ज़्यादा डंडा पड़ेगा रिपल्शन होगा, जिसकी चार्ज डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये लीस्ट स्टेबल है इसलिए ये मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। समझ गए, तो उसी तरह जिस बच्चों है ओ एच माइनस
ग्रेटर देन सी एस थ्री माइनस, इसमें है पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पे चार डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा डेंसिटी, साइज छोटा है ना, ठीक है। और अगर यही पोलर प्रोटिक हो जाएगा है ना, ये क्या है पोलर प्रोटिक पीपीएस में, तब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ओ एच माइनस क्या हो जाएगा, ज़्यादा सॉल्वेटेड हो जाएगा, तो जैसे मान लो अगर ऐसे दिया हुआ है माइनस, ठीक है सी एस थ्री आई है, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, सी एस थ्री माइनस, ठीक है, तो ये अटैक कर जाएगा, यहाँ पर सी एस थ्री आ जाएगा। और अगर ये पोलर ए प्रोटिक हो जाएगा तब ये देखो घूम के यहाँ चला जाएगा, ठीक है, फिर ये इस पर अटैक करेगा, ये भाग जाएगा, तो हमने बताया था बच्चों है ना कि पोलर ए प्रोटिक जो होता है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ता है, इसलिए SN2 बढ़ता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आयोनाइजेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है, क्योंकि कार्बोटैन बनना है, इसलिए ये SN1 के लिए है, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 को फेवर करता है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट SN2 को फेवर करता है, ठीक है। ऐसे है कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन इन डिफरेंट सॉल्वेंट एंड एक्सप्लेन, तो जैसे सॉल्वेंट दिया और रेट ऑफ SN1 दे दिया, ठीक है, तो वाटर है और ETOH, ठीक है, पहला केस लिया ये 100% है, ये 0%, तो इसमें है 1600 टाइम्स, दूसरा केस है ये 80% है, ये 20%, ये 400 टाइम्स है, ठीक है, तीसरा है ये 50% है, ये भी 50% है, तो ये 60 टाइम्स, फोर्थ है ये 20% है और ये 80% है, 10, फिफ्थ है ये 0% है और ये 100% है, ये वन। तो सिंपल सी बात है बच्चों, वाटर जो होता है ना, ये इसका म्यू काफ़ी ज़्यादा होता है, वेरी वेरी हाई, डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा होता है, ये हाईली पोलर होता है, ठीक है, तो हाईली पोलर है तो इसका अमाउंट अगर ज़्यादा होगा तो आयनेशन ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो अमाउंट ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, यही कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि आर एक्स इसमें बनता है तो ये आर प्लस बनता है प्लस एक्स माइनस बनता है, ठीक है, तो इनके बीच में अगर हाईली पोलर सॉल्वेंट रहता है तो उसका फॉर्मेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा और जल्दी होगा, ठीक है। ये डिफरेंस होता है, जिससे इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो इस केस में जो है वो है 100% वाटर, ठीक है, और इस केस में है 20% वाटर, ट्रांजिशन स्टेट है, ये भी ट्रांजिशन स्टेट, जितना वाटर ज़्यादा रहेगा, ठीक है बच्चों,
ठीक है, तो इसमें होता है ट्रांजिशन स्टेट, मतलब क्या हो रहा है, ये हो रहा है ना, ये टूट रहा है पूरी तरह से, तो इसमें आयनिक करेक्टर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, उतना ही रेट भी फास्ट होता है, इसलिए आयनिक करेक्टर ज़्यादा है, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल होगा। अगर क्या होगा, वाटर ज़्यादा है क्योंकि वाटर पोलर पोरोटिक है, ठीक है ना, इस वजह से। तो ट्रांजिशन स्टेट अगर मोर स्टेबल है तो रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट वो एक इंस्टेंटेनियस है ना, एक वैल्यू होती है, मतलब स्टेट होता है जिसको वो बताता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे मान लो कुछ एग्जांपल करते हैं, अब DMSO क्या है बच्चों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, SN2 होगा। ठीक है, और अगर यही CH3Cl है, ठीक है, यहाँ पे HOH है, यहाँ पे SN2 है, तो A greater than B होगा अगर ये A है और ये B है, क्योंकि पोलर प्रोटिक में SN2 का रेट क्या होता है बच्चों, फास्टर होता है। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, DMSO लिया और SN1 हम कराने की सोच रहे हैं, और यहाँ भी CH3Cl ले लिया, यहाँ पे वाटर लिया और SN1 कराने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये A है और ये B है, तो B ग्रेटर देन क्या होगा, A होगा, क्योंकि वाटर के अंदर आयोनाइजिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो उसमें क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगा। अब जैसे मान लो बच्चों ये दिया है Cl है और ये CH3, कहा कि एक्वस KOH, OH बनाया, Me बनाया, वाटर लिया, OH बनाया, Me, बताओ कौन कौन होगा। तो ये जो होगा ये SN1 से जाएगा और ये किससे जाएगा, SN2 से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज्ड है ना, इसलिए क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूट्रल है इसलिए वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वो SN1 से जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 से जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कई बार इकट्ठे अगर रेट दिया रहता है, ठीक है, तो इसमें अगर मान लो क्या है, CH3Br है, ठीक है, ETBr है, IsoPropylBr है ना, तो ये किसके लिए होगा, टर्शरी की तरफ जाओगे तो ये SN1 का होगा और ये SN2 का होगा, है ना। SN1 रिएक्शन में क्या होगा, कार्बोटाइन सबसे ज़्यादा इसमें होगा, तो 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा SN1 होगा, SN1 का जो ग्राफ है वो यहाँ पर ऊपर जा रहा है, ठीक है, और SN2 का जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है। ठीक है, अब बच्चों एक टेबल बनाते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूट रहेगा, SN1 और SN2 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सब्स्ट्रेट है और इधर है SN1 SN2।
तो जैसे बच्चों पहला हमने ले लिया, अब यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया, क्या होगा? कोई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? SN2 के लिए बैक साइड चाहिए, SN1 के लिए कार्बोटाइन बनना चाहिए, कार्बोटाइन बन नहीं पाएगा क्योंकि ब्रिज हेड पे प्लस चार्ज नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, तो ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, CH3Cl है तो क्या SN1 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये हो जाएगा। कार्बोटाइन बनना चाहिए ना, ये 1 डिग्री है तो ये क्या, ये SN1 देगा? नहीं देगा, क्या देगा? SN2 देगा। ये है तो ये दोनों दे सकता है बच्चों, डिपेंड करेगा आप न्यूक्लियोफाइल कैसा ले रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ है, ये है, ये तो देगा, ये नहीं देगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे SN1 है, सिक्स हमने लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl। तो देखो ये 1 डिग्री है, C+ भी बन सकता है, तो इस वजह से ये दोनों दे सकता है, ये भी और ये भी, क्योंकि SN2 के लिए क्या चाहिए बोलो? बैक साइड अटैक चाहिए, तो 1 डिग्री में हो जाएगा, और कार्बोटाइन SN1 के लिए तो वो भी हो जाएगा। सेम यहाँ भी है, pH CH2 Cl, यहाँ भी दोनों हो सकता है। ठीक है, कार्बोटाइन भी बन सकता है और बैक साइड 1 डिग्री है, दोनों हो सकता है। ठीक है, सेम यहाँ पे CH3O CH2 Cl। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बनेगा, कार्बोटाइन बन सकता है, यस, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और क्या यहाँ पे बैक साइड अटैक हो सकता है? यस, ये भी हो सकता है, तो SN1 भी SN2 भी। ठीक है, सेम यहाँ पे NH CH2 Cl है, तो ये SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है। ठीक है, तो ये SN1 नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पे जो PHCO CH2+ है, ये तो हाईली अनस्टेबल होगा ना, अनस्टेबल, तो कार्बोटाइन तो बनेगा नहीं। ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चों यही आपको एक बार चीज़ों को समझ लेना है। यहाँ पर आई है, दोनों हो सकता है, यस, कार्बोटाइन भी बन सकता है, बैक साइड अटैक भी हो सकता है। यहाँ भी हो सकता है, 2 डिग्री है ना, तो अगर न्यूट्रल लोगे तो वीक है तो SN1, अगर चार्ज लोगे तो SN2 हो जाएगा। ये दिया हुआ है, बताओ, दोनों नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसी में है बच्चों, अगला है साल्वोलिसिस। वैसे हम लोग एक बार देख चुके हैं लेकिन थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है ना कि वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट होगा, या कोई भी अल्कोहल जो होगा सॉल्वेंट भी होगा न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो सॉल्वेंट प्लस न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, बोथ रोल इज प्लेड बाई सेम कंपाउंड, ठीक है, सॉल्वेंट का भी रोल और न्यूक्लियो फाइल का भी रोल, ठीक है। जैसे मान लो ये हमने लिखा है, यहाँ पे बी आर है, एच है, सी एस थ्री। अब इसको वाटर के साथ करोगे तो इसमें क्या होगा बच्चों, पहले तो ये आयोनाइज होगा, ठीक है। तो आयोनाइज होगा तो क्या बनेगा, कुछ इस टाइप से कार्बोटाइन बनेगा, प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो वाटर होगा वो दोनों से क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये कंपाउंड ए है, ये क्या है मान लो बी है, ठीक है। अब इस पे वाटर आता है, तो वाटर जो होता है अपर साइड और लोअर साइड दोनों आ सकता है, ठीक है ना। ये मान लो अपर है और ये लोअर, दोनों लोब में आ सकता है, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होंगे, दो प्रोडक्ट बन जाएंगे और दोनों एक दूसरे क्या होंगे, इनेंशियोमर्स। एक तो ऐसे बना लेंगे आप सी एस थ्री एच पी एच और ओ एच यहाँ पर प्लस, ठीक है। और यहाँ पर फिर जो वाटर आएगा वो इस एच प्लस को ले जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा एम ई पी एच और एच, ठीक है। तो ये जो होगा बच्चों, मान लो इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। सेम यहाँ पे अगर वो ये अपर में रहा है ना, अगर वो लोअर में जाएगा तो बैक साइड आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इधर कर लेते हैं, ओ एच प्लस एम ई पी एच और एच, फिर इसमें एच टू आएगा और वो एच प्लस को ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा ओ एच एम ई पी एच और एच, ठीक है बच्चों। तो ये सी है, तो मान लो ये सी डैश है और ये क्या है डी डैश। तो डी और डी डैश ये दोनों फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों। तो जो इंटरमीडिएट बनता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, इंटरमीडिएट के बाद ट्रांजिशन स्टेट। तो इसका अगर हम लोग एनर्जी प्रोफाइल अगर बनाने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा बच्चों। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, है ना। समथिंग दिस, तो ये ए को दर्शा रहा है, ये बी को दर्शा रहा है, ठीक है, ये सी और सी डैश को है और ये डी एंड डी डैश, ठीक है। तो ये है ट्रांजिशन स्टेट वन, ट्रांजिशन स्टेट टू, ट्रांजिशन स्टेट थ्री, ठीक है। और इंटरमीडिएट्स ये बन रहा है, ठीक है ना, ये है इंटरमीडिएट। बी क्या है, कार्बोटाइन इंटरमीडिएट है, सी भी इंटरमीडिएट है, ठीक है, ये भी इंटरमीडिएट है, सी और सी डैश भी इंटरमीडिएट, और ये वाला जो है वो क्या है बच्चों, प्रोडक्ट। तो ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट जो प्लस वन होता है वो क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट, है ना। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि कार्बोकैटायन क्या करता है, रीअरेंज होता है, ठीक है ना। सी प्लस ऑलवेज ट्राइज टू
rearrange itself to get more stability. ठीक है, इसके लिए क्या हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, ठीक है, एल्काइल शिफ्ट हो सकता है, या फिर फिनाइल शिफ्ट हो सकता है. सबसे ज़्यादा जो होता है हाइड्राइड, फिर फिनाइल, फिर अल्काइल होता है, ना टेंडेंसी टू शिफ्ट जो होता है, इसको इसको हम याद करेंगे, हम फिर रटेंगे, ऐसे सवाल. हाइड्राइड, फिनाइल, एल्काइल में भी जैसे टर्शरी ब्यूटाइल आएगा, ठीक है ना, आइसोप्रोपाइल आएगा, इथाइल आएगा, ठीक है, फिर मिथाइल आएगा. ऐसा एल्काइल में जो बड़ा होगा वो आसानी से माइग्रेट करता है, इसको बोलते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड. ठीक है, क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड. ठीक है, जैसे मान लो हमने लिया एम ई सी एच का कि वाटर के साथ कराना है, ठीक है, तो क्या होगा, पहले आयनाइज होगा, ठीक है, एक तो यहीं से वाटर चला जाएगा, है ना, वाटर चला जाएगा और H प्लस निकल जाएगा वहाँ से, तो एक तो यहीं से जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी एस थ्री एच, यहाँ पर ओ एच आएगा. अब ये आर एस कन्फ्यूजन दोनों बनेगा, ठीक है. दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है, वन टू हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, वन टू हाइड्राइड, तब इसमें क्या आएगा, तो यहाँ पे सी एस थ्री आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा सी एस टू, और फिर उसके बाद यहाँ से वाटर आकर के एच प्लस निकल जाएगा, ओ एच टू प्लस, और ये यहाँ पे ओ एच आ जाएगा, ठीक है. तो देखो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है, देखो ये भी आई वन है, ठीक है, इसमें भी आएगा एक आई टू आएगा, ओ एस टू प्लस आएगा, ठीक है, ये है आई थ्री है, ये है आई फोर है, चार इसमें इंटरमीडिएट बन रहा है बच्चों, ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, तो ये आई वन हो गया, आई टू हो गया, आई थ्री हो गया, आई फोर हो गया, फिर प्रोडक्ट आ, ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट वन, ट्रांजिशन स्टेट टू, ट्रांजिशन स्टेट थ्री, ट्रांजिशन स्टेट फोर, ठीक है, तो इस तरह से इसको थोड़ा सा
इस तरह से नहाते जाओ, ठीक है। उसी तरह जैसे हाइड्राइड शिफ्ट है तो बच्चों हम मिथाइल शिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग भी करोगे तो वहाँ भी इस तरह से, तो कभी कभी क्या होता है इसमें प्रोडक्ट आपसे पूछ लेता है कि कितने प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे बन रहे हैं। पहली बार अगर एच ओ एच करो तो क्या होगा, सी एल निकल गया, ठीक है। यहाँ पे सी एच प्लस, अब वाटर एस भी आ जाएगा, दोनों साइड से आर एस बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वाटर आएगा, R प्लस S दोनों बराबर बन जाएंगे। अब उसके बाद 1 2 क्या कर लोगे, मिथाइल शिफ्ट कर लो, बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी एस थ्री प्लस, और इधर सी एस थ्री, और अभी काइरल बनेगा बच्चों, ठीक है। ये आर एस वाला बनेगा, आर भी होगा और एस भी होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो होगा अब वाटर आ जाएगा, ठीक है, तो ओ एच आ जाएगा। तो इसमें टोटल जो प्रोडक्ट बने वो कौन सा बना है, आर एस दो यहाँ से बना और दो ऊपर से बना, तो टोटल कितने हो गए, 4 प्रोडक्ट। ठीक है, उसी तरह बच्चों फिनाइल शिफ्ट भी हो सकता है। तो यहाँ भी इस तरह से आएगा, इसमें पानी जाएगा तो आर एस बन जाएगा, ठीक है। इसमें दो तो यहाँ बन जाएगा, आर एस काइरल ही। उसके बाद 1 2 फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस आ जाएगा, ये भी आर एस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर आ जाएगा, यहाँ पे ओ एच आ गया, तब कितना आ गया, 2। यहाँ भी टोटल 4 आ गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट है वो हो सकता है। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने है ना रिंग एक्सपेंशन भी देख रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसको अगर एच ओ एच के साथ कराएंगे, ठीक है, तो एक तो यहाँ पे प्लस आएगा और एम ई आएगा, तो इसमें वाटर ले जाओगे, 2 प्रोडक्ट बन जाएगा, काइरल है। उसके बाद 1 2 मिथाइल शिफ्ट कर लोगे, है ना, का रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, तो रिंग एक्सपेंशन होगा तो ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे प्लस, अब इस पर वाटर आएगा तो इसके 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, ओ एच और देखो, तो इसके बच्चे 4 प्रोडक्ट बन जाएंगे, 2 काइरल है। अब इसका 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर लोगे, 1 प्रोडक्ट यहाँ बन जाएगा,
फोर प्लस वन फाइव प्लस टू सेवन, तो इसमें सेवन प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ठीक है रिमेनिंग जो है आगे हम लोग करेंगे।